नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टैबलेट वाइस लोन के बारे में, जो है वाइस लोन 10 mg। इसमें एक 5 mg आती है और एक 10 mg आती है। 5 mg का हम वीडियो पहले बना चुके हैं दोस्तों, और ये 10 mg का वीडियो है। आज हम आपको बताएँगे कि वाइस लोन 10 mg किन काम में आती है, इसकी MRP क्या होती है, इसका साल्ट क्या होता है, और इसकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है। हम आपको आज वाइस लोन 10 mg के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन विस्तार से देने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इस टैबलेट की। इसका नाम है वाइस लोन 10 mg। ये इसका नाम आ रहा है नीचे, वाइस लोन 10 mg। और दोस्तों, इसके अंदर साल्ट आता है, ये प्रेंडिस लोन। ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, 10 mg में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 mg भी आती है इसमें, और 5 mg का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ दोस्तों। इसकी कंपनी आती है फाइजर। फाइजर एक स्टैंडर्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बहुत सारे आइटम आते हैं दोस्तों, जैसे कि बीकासूल आप यूज़ करते हैं, बीकासूल भी इसी कंपनी का आता है। बात करते हैं इसकी MRP की, तो इसकी MRP आती है 22 rupees फॉर 15 tablet। ठीक है दोस्तों, जो 5 mg है उसकी आती है 15 tablet की 12 rupees की MRP। इसकी 15 tablet की आती है 22 rupees। इसकी 10 rupees ज़्यादा है, उसकी 10 rupees इससे कम है दोस्तों। और किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी जरूर देख लेनी चाहिए, जैसे कि इसकी एक्सपायरी आ रही है 4/2023। तो सभी लोग MRP तो देखते हैं मेडिसिन खरीदने से पहले, लेकिन सभी लोग एक्सपायरी नहीं देखते। एक्सपायरी देखनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि एक्सपायर दवा फ़ायदा तो बिल्कुल करेगी नहीं, और कभी कभी वो नुकसान भी कर सकती है, तो इसलिए एक्सपायरी ज़रूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके काम की। तो ये एक स्टेरॉयड टैबलेट है। स्टेरॉयड मेडिसिन अपनी तरफ से नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी है, और इसका जो इस्तेमाल है हर चिकित्सक अपने हिसाब से अलग अलग बीमारियों में करते हैं। बहुत से चिकित्सक इसे आपको टाइफाइड इन्फेक्शन में दे सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ, बहुत से आपको इसे खुजली में दे सकते हैं, बहुत से आपको अगर आपके बॉडी में ज़्यादा पेन है पेन किलर के साथ दे सकते हैं, बहुत से लोगों के जोड़ों में दर्द है जोड़ों को उसके साथ दे सकते हैं, किसी की सकसकी सांस फूलती है तो उसके साथ भी दे सकते हैं। तो हर चिकित्सक अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों में यूज़ कर सकता है। तो आप ये ना सोचें कि ये टैबलेट मेरे को पहले खुजली में दी गई थी और अब मेरे पेट में इन्फेक्शन या पेट में कोई प्रॉब्लम उसमें भी दे दी। तो ये एंटी एलर्जिक दवाई है एक तरह से, और स्टेरॉयड दवाई है। तो स्टेरॉयड दवाई का अलग अलग तरीके से हर चिकित्सक अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से इसका इस्तेमाल ना करें, खुद से ना खाएं, क्योंकि स्टेरॉयड ज़्यादातर मतलब लगातार दवा खाने से, स्टेरॉयड मेडिसिन ज़्यादा खाने से वो जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से ब्लड का वो पानी बना देती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट कि ये ज़्यादा खाने से सांस फूल सकती है, बेचैनी हो सकती है, पेट में जलन भारापन गैस हो सका है, और किसी किसी के ये ज़्यादा खाने से ब्लड का पानी बना देती है और ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा सॉरी ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे शरीर फूला हुआ लगता है, गाल चढ़े हुए लगते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने आप से नहीं करना चाहिए। अगर आपके चिकित्सक आपको दें और चिकित्सक जितने समय तक बताएं उतने समय तक ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम वीडियो केवल इसीलिए बना रहे हैं कि आपके पास अगर ये मेडिसिन रखी है और आप YouTube पर खोज रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि ये दवाई एक तरह से स्टेरॉयड है और एंटी एलर्जिक है, ये आपको पहले मिली होगी। तो आप अगर मेडिसिन अभी चिकित्सक के यहाँ से लाए हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस काम में आती है, तो भी आप अगर खोजें तो आपको पता चल जाए। जो जो बीमारियां मैंने बताई हैं कुछ इनमें से अगर कोई रिलेटेड करती है तो आपको ये पता चल जाए कि ये किस बीमारी की टैबलेट है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम आपको उसी मेडिसिन का वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसमें डोज रह गई है बताने के लिए, डोज चिकित्सक के हिसाब से होती है, हर चिकित्सक अपने हिसाब से देते हैं, कोई एक बार, कोई दो बार, कोई तीन बार, ठीक है दोस्तों। तो डोज भी चिकित्सक के ऊपर ही होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।